कानपुर मुठभेड़ में बड़ी खबर, यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया है। कानपुर मुठभेड़ में विकास के साथ वो शामिल था, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। कानपुर कांड में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है और ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे का अमर दुबे राइट हैंड था और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा की गई है। कानपुर मुठभेड़ में ये बड़ी खबर, यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर किया गया है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये कितने बजे हुई मुठभेड़? देखिए, बिल्कुल बताया, लगभग सुबह 4 बजे के आसपास मुठभेड़ हुई है और विकास दुबे का जो सबसे करीबी साथी था अमर दुबे, उसे एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसके पास से कई सारे असलहे और कागज भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और ये अमर दुबे वो साथी अपराधी था जो विकास दुबे का राइट हैंड था, उसके साथ लगभग सभी अपराधों में शामिल था। और जिस दिन कानपुर में विकास दुबे के घर तबीज दी गई थी, पुलिस की उस दिन भी मौजूद था और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल था। पुलिस की तरफ से जो फोटोज जारी किए गए थे, लिस्ट जारी की गई थी वांटेड अपराधियों की, उस घटना में उसने सबसे ऊपर अमर दुबे का नाम था और उसे आखिरकार आज एसटीएफ ने मदहा हमीरपुर में मार गिराया और उसके कई साथियों की तलाश अभी भी चल रही है। मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने इसे मुठभेड़ में मार गिराया है। अर्पिता, अजीत रहिए आप हमारे साथ। वही कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा, लेकिन एसटीएफ के मुताबिक विकास दुबे फरीदाबाद से फरार हो गया है। बताया गया कि वो दिल्ली के आसपास किसी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था। विकास दुबे की तलाश के लिए एसटीएफ यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत कई दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस 3 से 4 के बीच में आई थी, उन्होंने आते ही कहा रूम चेक कराओ, कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी कि ऐसे ऐसे कोई बात है, वो सीधा आए कि अपने रूम चेक करवाओ। हमने रूम चेक करवाए, 4 से 5 रूम थे, ना ही उन्हें कोई ऐसा लगा कि ये गलत आदमी है या शक के तौर पे किसी से बात करी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी तफ्तीश करी अच्छी तरह, फिर वापसी चले गए। अजीत, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि फरीदाबाद में कहा जा रहा था वो है लेकिन फरार हो गया, ये भी कहा जा रहा है इस बीच की कोर्ट जाकर वो सरेंडर कर सकता है, फिलहाल ताजा अपडेट क्या? देखिए बिल्कुल अर्पिता, कल जो खबर आ रही थी कि विकास दुबे जो मुख्य आरोपी है वो किसी अदालत में दिल्ली के आसपास समर्पण कर सकता है, तो जिसको लेकर एसटीएफ ने सुरक्षा अदालतों के आसपास बढ़ा दी थी। और देर रात जो फरीदाबाद का एक गेस्ट हाउस है, कहा जा रहा था कि वहां ये आरोपी पहुंचा था, लेकिन पुलिस टीम पहुंची, छापेमारी की गई, वहां से तब तक केस निकल चुका। और कहा जा रहा है कि जो आसपास के इलाका हो, चाहे मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली, यूपी, सभी जगह एसटीएफ की जो छापेमारी है वो चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देश है किसी भी कीमत पर जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी है विकास दुबे, उसे ढूंढ कर निकालना है। लिहाजा आज पुलिस के हाथ से वो जरूर फिसल गया, लेकिन एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए देश के कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रहे हैं और उस राज्य की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फिलहाल आज एसटीएफ के हाथ से जरूर वो फिसल गया है, लेकिन अभी भी एसटीएफ की जो छापेमारी है देश के कई राज्यों में जारी है। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने कानपुर कांड के मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया और ये बताया जा रहा है कि इनका संबंध कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे से हो सकता है। बीती रात छापेमारी के बाद 2 लोगों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से अभी इनकार किया है, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम की गाड़ी दफ्तर के पास पहुंची तो उसमें 2 लोग जरूर बैठे दिखाई दिए। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में यूपीएसटीएफ ने मध्य प्रदेश के शहडोल में भी छापेमारी की। विकास दुबे के शहडोल में छिपे होने की भी जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम वहां पहुंची। शहडोल में विकास दुबे का साला राजू निगम रहता है। राजू निगम के घर पर मौजूद न होने पर एसटीएफ की टीम उनके बेटे आदर्श को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस बीच राजू निगम ने एसपी दफ्तर में पहुंचकर पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया, साथ ही दावा किया कि उसका विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है। मैं 15 साल से कानपुर से, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं। मैं 15 साल पहले वहां से सब छोड़ के चला आया था। मेरा लड़का दुकान में बैठा था, उसको यूपी की एसटीएफ की टीम आई और उसको पकड़ के ले गई। मेरा मोबाइल पुलिस के पास है, वो कॉल डिटेल अब से नहीं 10 साल पुरानी पता कर ले कि मैंने विकास दुबे से बात कब की है। रॉजर फेडरर अगले साल तक फिट हो सकते हैं।
स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने अगले साल तक पूरी तरह फिट होने की उम्मीद जताई। फेडरर घुटनों की सर्जरी के बाद से अपने घर पर परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वजह से दाखिले की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया जबकि एक जवान शहीद हो गया। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के अलावा उसके फरार 15 साथियों की तस्वीरें भी जारी कर दी। इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हार्दिक पंड्या ने महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वो धोनी के बाल काटते दिखाई दिए। अकाली दल ने पंजाब सरकार पर कोरोना के बीमा के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देकर राज्य के सहकारिता विभाग में गड़बड़ी की बात कही और आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कोरोना इंश्योरेंस के नाम पर बड़ी ठगी की है। उन्होंने एक नई और छोटी कंपनी को सहकारिता विभाग के 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों का बीमा करने का टेंडर दे दिया जबकि विभाग के सीनियर अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था क्योंकि इससे पॉलिसी लेने वालों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था IRDA के दिशा निर्देशों की अनदेखी होती है। लेकिन आरोप है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विभाग के आला अधिकारियों की बात नहीं मानी और अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। अकाली दल का कहना है कि केंद्र सरकार पहले ही डॉक्टरों और फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक सहायता की बात कह चुकी है, ऐसे में राज्य के सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का अलग से बीमा कराने की क्या जरूरत थी। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से घोटाले के आरोपों को गलत ठहराया गया। तो इस पे अगर सिंगल बिट पे फैसला लिया है तो मंत्री का अधिकार है। नहीं, मंत्री का अधिकार है, उन्होंने कोई अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं किया। मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक किया। भोपाल में कोरोना मरीज को सड़क पर छोड़ने के आरोप की जांच का आदेश दे दिया गया। आरोप है कि वहां के एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे अस्पताल के बाहर जमीन पर छोड़ दिया क्योंकि मरीज की हालत गंभीर थी। इस पूरे मामले में जब अस्पताल के बाहर लगी CCTV की फुटेज खंगाली गई तो उसमें नजर आया कि PPE किट पहने दो स्वास्थ्य कर्मियों ने एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे एक शख्स को बाहर निकाला और फिर उसे उठाकर अस्पताल के बाहर जमीन पर लावारिस हालत में छोड़ दिया। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि कोरोना मरीज की मौत उस वक्त हुई थी या बाद में। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। प्रेफर किया गया तो उसके ट्रांसफर के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम हैं जो समय समय पर जारी होते हैं। क्या उन नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया, इसमें किसी के पार्ट पे क्या लैप्सेस रहे, ये सभी विषय जो है ये इंक्वायरी में सामने आएंगे। पूर्वी चीन में एक स्कूटर सवार एक ट्रक के नीचे आ गया। सड़क पर फिसलन होने की वजह से उसका स्कूटर ट्रक के सामने ही फिसल गया और वो तेजी से मुड़ रहे ट्रक के नीचे आ गया। इससे पहले वो ट्रक एक तरफ को मुड़ता नजर आया। ठीक इसी वक्त एक स्कूटर सवार भी वहां पहुंचा लेकिन ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में वो सड़क पर ही गिर पड़ा। स्कूटर से गिरने के बाद वो ट्रक के नीचे आ गया। हालांकि ट्रक के पहियों की चपेट में आने से ठीक पहले उसने पीछे की तरफ छलांग लगाई और ट्रक से दूर हट गया। मौत को कुछ इंच से चकमा देने के बाद वो फिर उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो कोरोना वायरस को साधारण फ्लू बताकर लगातार इसके खतरे को कम आंक रहे थे। बोल्सोनारो कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि कोरोना वायरस ज्यादा प्रभावित करने वाला नहीं है और अब आखिर में वो खुद इस खतरनाक वायरस से शिकार हो गए। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में BSc के एक छात्र ने गरीब बच्चों को पढ़ाने की मुहिम शुरू की और एक झोपड़ी को ही क्लासरूम में बदल दिया। यहां पढ़ाई कर रहे सभी छात्र मास्क में नजर आए और उन्होंने कोरोना के बचाव के लिए एक दूसरे से जरूरी दूरी भी बना रखी थी। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। यही वजह रही कि गरीब बच्चों की मदद के लिए एक छात्र ने उनके बीच जाकर पढ़ाने की पहल की। ज़रूरी थी क्लास इस तरीके की शुरू होनी क्योंकि घर पे ना नेटवर्क आता है ना कोई स्मार्टफोन है और ना इस तरीके से कोई कंप्यूटर है जिससे कि पढ़ाई कर सके। तो इस वक्त ये आप देखिए किस तरीके से क्लास को तैयार किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 100 टीमों को काम पर लगाया गया। इन्हीं में एक टीम कानपुर के बिकरू गाँव पहुंची जो विकास दुबे का गाँव है और उसके गांव में पहुंचते ही पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया।
गांव के चप्पे चप्पे को खंगाला गया और वहां के हर घर की तलाशी ली गई। विकास दुबे को दबोचने के लिए बिकरू गांव को छावनी में बदल दिया गया, लेकिन पुलिस को वहां उसका कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इसी तलाशी अभियान में पुलिस को बंद पड़े कुछ मकानों के अंदर से देसी बम जरूर मिले। पुलिस ने आगे की जांच के लिए उन बमों को अपने कब्जे में ले लिया। बिकरू गांव में उसका इस तरीके का काला साम्राज्य था कि हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार था। हर किसी की छत पर बम थे, हर किसी की छत पर असलहे थे। कानपुर कांड के फरार आरोपी विकास दुबे की तलाश के लिए पुलिस की कुछ टीमों ने यूपी के और भी कई इलाकों में अभियान चलाया ताकि किसी भी कीमत पर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी को पकड़ा जा सके। पुलिस को ऐसी भी खबर मिली थी कि विकास दुबे कानपुर से भागकर बिजनौर में छिपा हो सकता है, इसलिए बिजनौर में भी पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। बिजनौर के कई इलाकों में हथियारबंद पुलिस के जवान विकास दुबे को पकड़ने के लिए तैनात नजर आए। हालांकि उसके बिजनौर में होने की खबर भी कुछ देर में ही हवा हो गई। चेकिंग की गई शाम तक और ये गलत पाई गई सूचना। विकास दुबे की तलाशी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर भी पुलिस ने अभियान चलाया। वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली गई। मास्क पहनकर कहीं वो पुलिस को चकमा न दे दे, इसलिए गाड़ियों में सवार लोगों के मास्क उतरवाकर उनका चेहरा भी देखा गया। यमुना एक्सप्रेसवे के ही एक टोल प्लाजा पर विकास दुबे के बड़े बड़े पोस्टर लगे भी नजर आए ताकि लोग उसका चेहरा अच्छी तरह पहचान जाएं और उसके बारे में पुलिस को खबर कर सकें। लेकिन लंबे तलाशी अभियान के बाद भी कुख्यात हिस्ट्री शीटर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस बीच सूत्रों से पता चला कि कानपुर से भागने के बाद विकास दुबे के दिल्ली NCR में छिपे होने की संभावना है और इसीलिए यूपी पुलिस की 2 टीमें उसे पकड़ने के लिए दिल्ली में मौजूद है। सूत्रों ने यह जानकारी भी दी कि दिल्ली में ही विकास दुबे आत्मसमर्पण भी कर सकता है, इसलिए पुलिस ने दिल्ली की अदालतों के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गांव में लोगों को एक बिल से कोबरा के 100 से ज्यादा बच्चे मिले। लोगों ने कोबरा के उन सभी बच्चों को एक बड़े बर्तन पर रखकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। बताया गया कि गांव के किसान के घर के पास बने बिल से ये कोबरा के बच्चे लोगों को मिले और उन्होंने सांप के बच्चों को जंगल में छोड़ने के बजाय एक बर्तन में रख दिया। बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में कोबरा के बच्चों को देखकर गांव वालों ने इसे चमत्कार समझा और सावन के महीने में सांप का देखना शुभ मानते हुए उनकी पूजा शुरू कर दी। हालांकि जब इस बात की खबर वन विभाग को लगी तो उन्होंने तुरंत कोबरा के सभी बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। तो स्टाफ ने उसको जब्ती में लिया और जंगल छोड़ने की कार्रवाई चल रही है। कोरोना संकट में 3 महीने बाद क्रिकेट की शुरुआत होगी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसी के साथ कोरोना वायरस संकट के बीच करीब 3 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूरे राज्य के सभी शेल्टर होम में रह रहे बच्चों की कोरोना वायरस जांच से जुड़ी रिपोर्ट मांगी। कुछ वक्त पहले कानपुर के एक शेल्टर होम में कई बच्चों को कोरोना वायरस होने की खबर आई थी, साथ ही वहां 5 नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने की बात भी सामने आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर सड़क बनाने वाले BRO के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सीमा के पास चल रहे सड़क बनाने के काम की जानकारी ली। जोधपुर के एक अस्पताल पर वहां भर्ती 4 बच्चों को एक्सपायर हो चुका ग्लूकोज चढ़ाने का आरोप लगा। राहत की बात यह रही कि बच्चों की हालत ठीक है। अब इस मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन ने एक कमेटी बना दी। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए उन्हें बधाई दी। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बीती रात पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल भी हो गया। गिरफ्तार बदमाश विक्रम के पास से चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ। मुठभेड़ के दौरान विक्रम का दूसरा साथी फरार हो गया। ये चरी काउंटी चौकी के पास चेकिंग करते हुए पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। पुलिस के ऊपर इन्होंने फायरिंग करी। पुलिस ने अपने बचाव में इनके ऊपर वापस फायरिंग करी तो एक के पैर में गोली लगी है। दूसरा जो व्यक्ति था विशाल, वो मौके का फायदा लेकर अंधेरे में निकल गया है। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना मरीजों के क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी की शिकायत मिलने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भड़क गए। राजस्थान के कई क्वारंटीन सेंटरों से गंदगी, लापरवाही के साथ ही घटिया खाने की शिकायत आ रही थी। ऐसी ही शिकायत मिलने के बाद कैलाश चौधरी बाड़मेर के एक सेंटर पहुंचे तो क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मरीज उन्हें देखते ही शिकायतों का पिटारा लेकर कमरों से बाहर निकल आए। मरीजों ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद अधिकारी शिकायत करने पर उन्हें धमकाते हैं।
ये सुनते ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। मंत्री के ऐसे तेवर देख वहां मौजूद अधिकारी सकते में आ गए। तभी एक मरीज उन्हें मिला खाना दिखाने के लिए सबके सामने आ गया। मरीजों को मिले खाने को देखकर केंद्रीय मंत्री बिफर पड़े। बेचारे छोटे छोटे बच्चों ने बुलेट में से पहले पैसे निकाल के इस कोविड के अंदर दिए जी, और पीएम को दिए, मुख्यमंत्री की सहायता। ये तो कह रहा हमको पैसे मिल रहे हैं और हम खाने में लगे हुए हैं। मौका मिला तो अपना दर्द सुनाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले मरीज भी बाहर निकल आए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वार्ड की हालत देखने की अपील की। कैलाश चौधरी ने भी अधिकारियों को मरीजों की देखभाल में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की नसीहत दी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में लापरवाही की वजह से शव बदलने का मामला सामने आया। आरोप है कि एम्स के स्टाफ की लापरवाही से एक मुस्लिम परिवार की महिला जिसकी मौत कोरोना की वजह से हुई थी, उसे हिंदू परिवार को दे दिया गया, जबकि हिंदू परिवार को मुस्लिम परिवार की महिला का शव दे दिया गया। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुस्लिम परिवार ने इस मामले की एम्स प्रशासन के साथ साथ पुलिस से भी शिकायत की। एम्स ने अब इस मामले में जांच का भरोसा दिया। इन्होंने मुझे 9 बजे बुलाया, बोले ये पर्ची ले जाओ और जब जैसी कब्र तैयार हो जाए वैसे मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं बॉडी लेके आ जाऊँगा। अब जैसे ही कब्र तैयार हुई मैंने इन्हें फ़ोन किया, ये बॉडी लेके आए, मगर मैंने पूरी किट पहन के बावजूद भी उनका चेहरा खोला, खोलने नहीं दे रहे थे। मैंने जब चेहरा देखा तो मेरी सिस्टर थी नहीं, तो मैंने उनसे कहा था मैंने कि ये कौन है। उसके बाद मैंने उस पर वाइट पे इसमें नाम लिखा देखा तो कोई हिंदू लेडीज थी। ये वो हम उनसे बात कर रहे हैं और जो है रिलेशंस को हम पर्सनली मिले भी हैं, उनसे बात भी करी है और उन्होंने जो भी कंप्लेंट दी है उसको उचित कार्यवाही की है। कोटा में एक बार फिर टिड्डियों ने हमला कर दिया। राजस्थान के कोटा में एक बार फिर टिड्डियों के हमले ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 36 घंटे में 24 कोरोना के मरीज मिले। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुल बह जाने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी में बढ़े जल स्तर से 34 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश विक्रम को पकड़ा, जबकि बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बिहार के बांका में आसमानी बिजली गिरने से 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। चीन के ये इलाके पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहता दिखाई दिया। सबसे खराब हालात चोंगचिंग इलाके में दिखे, जहां एक नदी पर बनाया जा रहा पुल सैलाब में ही बह गया। तेज लहरों में पुल तिनकों की तरह तैरता नजर आया। एक हाईवे का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया और पानी उसके बीच से बहता दिखाई दिया। तेज बहाव में ऐसी कई सड़कें बर्बाद हो गई। बाढ़ की वजह से बांधों के गेट खोलने पड़े, लेकिन उससे मुसीबत और बढ़ गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां उसी में डूब गईं। लोगों के मकानों में भी पानी भर गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। हालात बिगड़ते देख बचाव के लिए सेना तैनात करनी पड़ी। बाढ़ में फंसे लोगों को नावों और रस्सियों की मदद से निकालने का काम शुरू किया गया। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट केवी कामत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को देश की जरूरत बताया। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया। इफ यू लुक एट ट्रेड इन कल्चरल यू नो इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैव बीन फ्रीड अप कंसिडरेबली, कोल माइनिंग, इवन रेलवेज हैव बीन ओपनड अप। हाउ डू यू सी दिस इन द बैकड्रॉप ऑफ अ क्लैरियन कॉल बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर एन आत्मनिर्भर भारत? आई थिंक एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आई थिंक आत्मनिर्भर इज द कॉल ऑफ द डे। इट इज मेकिंग You know, in one phrase, if I were to put it, ease of doing business. Can we revisit this whole platform of ease of doing business? I'm sure industry leaders will work with the government on this front, and that will truly be a big step towards Atmanirbhar. खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से। गैंगस्टर विकास दुबे फरार हो गया। विकास दुबे के साथी अमर दुबे को एसटीएफ ने यूपी के हमीरपुर में मार गिराया।
विकास दुबे की तलाश में छापेमारी के दौरान फरीदाबाद से दो लोग हिरासत में लिए गए। विकास दुबे के मामले में चौबेपुर थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर। विकास दुबे केस में एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी का नाम आने पर उनका तबादला किया गया। पीछे हटने के बावजूद चीन ने अपनी चौकियों पर अत्याधुनिक हथियार तैनात कर दिए। गलवान घाटी की ताजा तस्वीरों में चीन की सेना पीछे हटी हुई दिखाई थी। पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई। अमेरिका ने छात्रों के लिए वीजा नियमों में थोड़ा बदलाव किया। शरद पवार ने सहयोगी दलों में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों के छिपाकर रखे गए हथियार बरामद हुए। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में मलेशिया के 122 नागरिकों को जमानत मिली। मुंबई के धारावी में 24 घंटों में सिर्फ एक कोरोना मरीज मिला। एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर लापरवाही से शव बदलने का आरोप लगा। चीन ने अमेरिका पर दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों को भड़काने का आरोप लगाया। मुंबई में आज फिर हाई टाइड की चेतावनी, करीब 5 मीटर लंबी लहरें उठ सकती हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमरनाथ गुफा में मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई। गलवान घाटी और एलएसी के दो इलाकों से भले ही चीन की सेना पीछे हट गई हो, लेकिन लद्दाख के एक इलाके में अब भी कुछ चीन के सैनिक मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना लद्दाख की पेंगोंग झील के फिंगर फोर में अब भी मौजूद है और अभी तक चीनी सेना ने वहां से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। हालांकि चीन ने वहां अपने सैनिकों का जमावड़ा थोड़ा कम कर दिया है। एक दिन पहले गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना के पीछे हटने की खबर आई थी, लेकिन जिस पेंगोंग झील पर लंबे वक्त से तनाव चल रहा है वहां से चीनी सेना पीछे नहीं हटी। बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के लोगों ने तूफान पीड़ितों को मिलने वाली राशि के लिए खूब हंगामा किया। आरोप है कि लोगों की मदद के लिए जो सरकारी फंड आया उसमें गड़बड़ी की गई, जिससे नाराज टीएमसी के सैकड़ों लोगों ने धर्मपुर पंचायत दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया। हाथों में पार्टी का झंडा पकड़े इन लोगों ने पंचायत ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, वहां इकट्ठा भीड़ में कई लोग पुलिस के सामने गेट को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। हालात को संभालने के लिए घटना वाली जगह पर पहुंची पुलिस के साथ भी लोगों ने धक्का मुक्की की। हंगामे के बीच दफ्तर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी कई घंटों तक बंधक बने रहे। कानपुर मुठभेड़ मामले में शहीद देवेंद्र मिश्र की घटना से पहले लिखी चिट्ठी के बाद जांच तेज कर दी गई। इस सिलसिले में नई जांच अधिकारी लक्ष्मी सिंह शहीद डीएसपी के दफ्तर भी पहुंची। शहीद देवेंद्र मिश्र ने घटना से पहले एक चिट्ठी में चौबेपुर थाने के एसएचओ और कुख्यात बदमाश विकास दुबे की मिलीभगत के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के लिए लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र के दफ्तर पहुंची। इस पूरी कार्रवाई में जरूरी दस्तावेज और एक हार्ड ड्राइव समेत कई चीजें जब्त कर ली गईं। बताया जा रहा है कि ये हार्ड डिस्क उसी कंप्यूटर की है जिससे शहीद देवेंद्र मिश्र ने वहां के एसएसपी रहे अनंत देव को चिट्ठी लिखी थी। अभी भी यहां पर देख सकते हैं, अभी भी टीमें यहां पर बनी हुई है, फोरेंसिक टीमें बनी हुई है, ताकि इस पहलू की हर एक कड़ी को जोड़ा जाए। जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंची। हालांकि मामले की जांच कर रही लक्ष्मी सिंह ने चिट्ठी की बात पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या कुछ सबूत मिले हैं ऐसे मैम, यो लेटर जो लिखा गया था वो क्या यहीं से लिखा गया था? नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। इस मामले में शहीद देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी सामने आने के बाद से कई पुलिसकर्मियों की भूमिका शक के घेरे में है। बताया जा रहा है कि कानपुर के चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन और शिवराजपुर थाने के 200 से ज्यादा पुलिस वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसा शक जताया जा रहा है कि ये पुलिस वाले घटना से पहले विकास दुबे के संपर्क में थे और उसके मददगार बनकर काम कर रहे थे। चौबेपुर थाने के निलंबित एसएचओ विनय तिवारी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विनय तिवारी का जिक्र शहीद देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी में भी है। आरोप है कि उसके और विकास दुबे के बीच सांठगांठ थी और मुठभेड़ की मुखबिरी का आरोप भी अब विनय तिवारी पर लग रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने मलेशिया के 122 नागरिकों को शर्तों के साथ जमानत दे दी। इन लोगों पर नियमों को तोड़ते हुए दिल्ली में मरकज में शामिल होने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि जब तक केस खत्म नहीं होगा ये लोग अपने देश मलेशिया वापस नहीं जा सकते। सुनवाई के दौरान मलेशिया उच्चायोग के अधिकारी भी मौजूद थे। चाइना मास्टर्स और डच ओपन टूर्नामेंट रद्द हो गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कोरोना वायरस की वजह से चाइना मास्टर्स और डच ओपन टूर्नामेंट को भी रद्द कर दिया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में 1600 कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों पर अपना पता और मोबाइल नंबर गलत देने का आरोप लगा।
अब जिला प्रशासन इन लोगों की तलाश कर रहा है। फिलहाल सभी निजी लैब को मरीजों की सही और पूरी जानकारी रखने की हिदायत दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन सभी लोगों से संपर्क किया जा सके। हमारे यहाँ पर काफी लोग मिले नहीं, उसके बाद पुलिस की हेल्प भी हम ले रहे हैं, ताकि उन लोगों को ढूंढ पाए कि वो कहाँ के बासिंदे हैं। यूपी के मंत्री चंद्रप्रकाश उपाध्याय और राम नरेश अग्निहोत्री ने झांसी और कानपुर में शहीद पुलिस वालों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर की नींव ढहाए जाने पर लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। 25 साल तक एथलेटिक्स के मुख्य कोच रहे बहादुर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोरोना वायरस की वजह से वरिष्ठ नागरिकों के आने जाने पर लगी रोक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मॉनसून की पहली बारिश में ही नगर निगम के दावों की पोल खुल गई, क्योंकि थोड़ी देर की बारिश में ही शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। और वहाँ जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक तस्वीर में सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियाँ रेंगती दिखाई दी। कुछ जगहों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भरा नजर आया। देखने में ऐसा लगा कि मानो सड़क पर नदी बह रही हो। सड़क से गुजर रही गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों के टायर आधे से ज्यादा डूबे दिखे। कई बाइक तो सड़क पर भरे पानी की वजह से बंद पड़ गईं, जिसके बाद लोग उसे धक्का देकर ले जाते दिखाई दिए। जयपुर के अंदर बारिश से सड़कें नदियां बन चुकी है, और अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त ये हम इस वक्त सिविल लाइन फाटक के पास वाली रोड पे खड़े हैं, और सामने की तस्वीर देखिए कि कितनी मुश्किल आ रही है। एक आदमी तो सड़क पर जमा हुए बारिश के पानी में बैठा नजर आया, जबकि उसके आसपास से गाड़ियां गुजरती रहीं। इसके बाद वो वहीं लेट भी गया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो आदमी वहां से चला गया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी सड़क पर पानी जमा होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शेल्टर होम में रह रहे बच्चों की कोरोना जांच के बारे में योगी सरकार से ब्यौरा मांगा। अदालत ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के शेल्टर होम में रह रहे बच्चों के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों की कोरोना जांच के बारे में पूछा और सवाल किया कि जांच के बाद कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। यही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कानपुर के शेल्टर होम का भी जिक्र किया, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि वहां कई बच्चे कोरोना का शिकार बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 10 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां नीलम और झेलम नदी पर गैर कानूनी तरीके से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर बांध बना रहा है, जिससे वहां के लोगों में काफी गुस्सा है। यही वजह रही कि बांध बनाने का विरोध करने के लिए कई लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। हाथों में पोस्टर लिए लोगों ने शहर की सड़कों पर रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद के लोगों से बांध बनाने के विरोध में खड़े होने की अपील भी की। इस प्रदर्शन में वहां के कई संगठनों के लोग शामिल हुए और बांध के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की उन लोगों ने चेतावनी दी। आप चाहो कमेटी को काला प्रोजेक्ट की तरफ मार्च करना चाहिए, जब तक वो काला प्रोजेक्ट बंद नहीं होता। कानपुर मुठभेड़ में बड़ी खबर, यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया है। कानपुर मुठभेड़ में विकास के साथ वो शामिल था। कानपुर कांड में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये लिस्ट बनाई गई थी जिसमें सबसे ऊपर नाम अमर दुबे का ही था, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है ये हमीरपुर के मौदाहा क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। विकास दुबे का साथी इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया। कौशाम्बी में रास्ते के विवाद में हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रास्ता बनाने के विवाद में एक आदमी की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में लोगों को एक बिल से कोबरा के 100 से ज्यादा बच्चे मिले। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। ब्राजील के राष्ट्रपति को कोरोना हो गया। उत्तर प्रदेश के शामली में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। एमपी के मांडला में धान की बोरियां चोरी करने के आरोप में ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यहां के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ और दिन
सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले दो दिन में ही सौराष्ट्र और कच्छ में पूरे सीजन की करीब 27% बारिश हो चुकी है। सीमा पर चीन से जारी तनाव को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस कड़ी में लद्दाख स्काउट्स के जवान चीनी सेना की हर चुनौती का सामना करने के लिए सीमा पर कड़ा अभ्यास करते नजर आए। जवानों ने मुश्किल रास्तों से गुजरने और दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने का भी अभ्यास किया। साथ ही ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों के हमले को नाकाम कर उनके बंकरों पर कब्जा करने के लिए ये जवान ट्रेनिंग करते दिखे। इसके अलावा हर तरह के मौसम से निपटने के लिए भी ये जवान खुद को तैयार करते नजर आए। बादलों के बीच पहाड़ों में रेंगते हुए दुश्मन की तरफ किस तरह से लद्दाख स्काउट के ये जवान बढ़ रहे हैं और दुश्मन पर बिना पलक झपके ही हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के बाद अब अमेरिका भी चीन के कई ऐप पर बैन लगाने की तैयारी में है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीन के कई दूसरे ऐप पर जल्द ही बैन लगाएगा। पोम्पियो पहले ही टिकटॉक जैसे ऐप को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने चीन के 59 ऐप पर रोक लगाने के भारत के फैसले का समर्थन भी किया था। चीन के बाहर अमेरिका टिकटॉक का दूसरा बड़ा बाजार है। वहां अभी करीब 4.5 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पहले नंबर पर भारत था जहां करीब 20 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे। हालांकि भारत में अब इसे बैन कर दिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस को कम करने का फैसला लिया, जिसका फायदा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी। इस संबंध में कुछ दिन पहले उन्होंने जानकारों से भी सुझाव मांगे थे, जिसका मकसद कोरोना संकट में छात्रों के ऊपर से पढ़ाई के बोझ को कम करना था। पंजाब के मोहाली में अकाली दल के प्रदर्शन में कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई और लोगों ने एक दूसरे से 2 गज की दूरी नहीं बनाई। ये प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम का विरोध करने के लिए हुआ, जिसमें शामिल हुए अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने के नियम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। प्रदर्शन में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए, जिनके भाषण के दौरान लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े नजर आए। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर एक दूसरे के साथ ग्रुप फोटो खिंचवानी शुरू कर दी। इस दौरान एक दूसरे से दूरी बनाना तो दूर की बात, कई लोगों ने तो चेहरे से मास्क भी हटा दिया। यहाँ पर आप देखिए कितनी भारी तादाद में सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर अकाली दल के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है और किसी भी तरह का जो सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद प्रदर्शन का आयोजन करने वाले पार्टी विधायक एनके शर्मा ने भी गलती मानी और कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियम टूटने पर माफी मांगी। ये इनडिसिप्लिन हुआ, उसकी मैं माफी भी मांगता हूँ। प्रॉब्लम भी आई है थोड़ी, लेकिन हमने सैनिटाइजर भी लगाए हुए थे, राउंड्स भी लगाए हुए थे। बिहार में 50 वीवीआईपी लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 650 वीआईपी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इस लिस्ट में मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज किया गया। खबर ये भी कि हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गेस्ट हाउस में भी शिफ्ट हो सकते हैं। इंदौर में पेंटिंग के जरिए कलाकारों ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ कलाकारों ने लोगों को पेंटिंग के जरिए कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने मठ की जमीन से भूमाफियाओं का कब्जा हटवाया। अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले में टॉप आए छात्रों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने हीरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के काशगंज में जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल हो गया। सभी पर शराब पीकर डांस करने का आरोप है। राजस्थान के करौली में टिड्डियों ने हाल ही में बोई गई बाजरे की फसल को बर्बाद किया। सुबह 10:30 कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत को लेकर 2 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। कामगारों के
ईपीएम में सरकार की तरफ से पैसा डालने की योजना 3 महीने और बढ़ाई जा सकती है। कृषि क्षेत्र के लिए भी 1,00,000 करोड़ के पैकेज का फैसला हो सकता है। साथ ही गरीब अन्न कल्याण योजना को नवंबर तक जारी रखने पर मुहर लग सकती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 30 किलो से ज्यादा सोने की बरामदगी के मामले में विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री पी विजयन आ गए। कांग्रेस ने सोने की तस्करी में मुख्यमंत्री कार्यालय का हाथ बताकर सीबीआई जांच की मांग की और 3 दिन पहले मालवाहक विमान से पहुंचे सामान में सोने की खेप मिली थी। आरोप है कि इसे संयुक्त अरब अमीरात से तिरुवनंतपुरम के वाणिज्य दूतावास भेजा गया। हालांकि दूतावास ने सोने की खेप को अपना मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जांच से जुड़े कस्टम्स विभाग के अधिकारियों ने अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। बताया गया कि कस्टम्स विभाग के अधिकारियों को सोने की तस्करी के बारे में पहले ही भनक लग गई थी, इसलिए इस खास कार्टन को जांच के लिए बाकी सामान से अलग ले जाया गया। कार्टन खोलने पर इसके अंदर बिस्किट के पैकेट जैसे कई छोटे डिब्बे मिले। इन डिब्बों के अंदर भी एक डिब्बा दिखा जिसे एक कर्मचारी ने छेनी और हथौड़े की मदद से काटा, जिसे खोलने पर सोना निकला। चूंकि सोने की तस्करी से जुड़े इस मामले के तार मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी से जोड़े जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड हिज सेक्रेटरी इज इन्वॉल्वड इन दिस स्मगलिंग केस। लेकिन जैसे ही इस मामले में मुख्यमंत्री के दफ्तर का नाम आया, सीएम पी विजयन ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने दावा किया कि सोने की तस्करी से जुड़े लोग कानून से नहीं बच पाएंगे। बताया गया कि इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात में तिरुवनंतपुरम के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी सरित कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। कस्टम्स विभाग का दावा है कि सोने से भरे कार्टन पर स्वप्ना सुरेश नाम की एक महिला ने अपना दावा किया था, जो फरार है। स्वप्ना सुरेश केरल सरकार की एक कंपनी में काम करती थी। आरोप ये भी लगा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से एक अधिकारी ने कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही ये बात सामने आई, आरोपी अधिकारी को पद से हटा दिया गया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दोबारा लॉकडाउन लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों ने वहां की संसद का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहां पर कोरोना के नए मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिर से पाबंदी लगाने का फैसला किया गया, जिसे कुछ दिनों पहले हटा लिया गया था। लेकिन सरकार के इस कदम के विरोध में हजारों की संख्या में लोग संसद के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। सरकार के फिर से लॉकडाउन लागू करने के फैसले के खिलाफ वो वहां नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और संसद के अंदर जबरन घुसने की कोशिश भी करते नजर आए, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग बाहर खड़े होकर तालियां बजाते हुए अपने गुस्से का इजहार करते दिखे। साथ ही लाल रंग की रोशनी जलाकर उन्होंने इस फैसले पर अपना विरोध जताया। इस पूरे हंगामे के बीच एक आदमी वहां पर देश का झंडा भी लहराता दिखाई दिया। संसद के बाहर लोगों की भीड़ इस कदर जुटी थी कि पुलिस भी उन्हें काबू नहीं कर पाई। पंजाब के मोहाली में खेले गए एक मैच को श्रीलंका युवा टी20 प्रीमियर लीग का मैच बताने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को शिकायत भेजी थी, जिस पर पंजाब पुलिस ने चौंकाने वाला दावा करते हुए बताया कि मोहाली में कुछ दिनों पहले एक मैच खेला गया था और इस मैच का लाइव प्रसारण कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया और लाइव प्रसारण ये बताकर किया गया कि यह मैच लंका युवा टी20 प्रीमियर लीग के तहत खेला जा रहा है। खिलाड़ियों ने मास्क पहने थे, इसलिए लोग धोखा खा गए। दावा है कि फर्जी मैच कराकर आरोपियों ने सट्टे से करोड़ों रुपए की कमाई कर ली, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से शिकायत के बाद आरोपियों को दबोच लिया गया। जो खिलाड़ी यहां पर खेलते थे उन्हें श्रीलंका क्रिकेट लीग की जो टीमें हैं उनकी यूनिफॉर्म पहना दी जाती थी, चेहरे पर मास्क लगा दिया जाता था, सांवले रंग के खिलाड़ी लिए जाते थे ताकि ये लगे कि मैच श्रीलंका में हो रहा है, लेकिन ये मैच श्रीलंका में नहीं होता था बल्कि पंजाब के मोहाली के इस सवारा गाँव में होता था। राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डियों को खत्म करने के लिए ड्रोन से दवा का छिड़काव किया गया। पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने की वजह से जिले में टिड्डी दलों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। और यही वजह रही कि जिले के एक इलाके में टिड्डियों ने जब हमला किया तो उन्हें खत्म करने के लिए प्रशासन ने उन पर ड्रोन से दवा का छिड़काव किया। जो तस्वीरें सामने आईं उनमें एक तस्वीर में 2 ड्रोन आसमान से टिड्डी दलों पर केमिकल का छिड़काव करते दिखे।
इसके बाद टिड्डियों का दल वहां से भागता भी दिखाई दिया। एक दूसरी तस्वीर में ट्रैक्टर पर रखी स्प्रे करने वाली मशीन की मदद से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर डेरा जमा चुकी टिड्डियों के झुंड पर केमिकल का छिड़काव किया गया, जिसके बाद लाखों की संख्या में वहां टिड्डियां मरी हुई दिखाई दी। बाड़मेर की तरह करौली में भी टिड्डियों ने हमला कर फसलों को नुकसान पहुँचाया। वहां से आई एक तस्वीर में अपनी फसल को टिड्डी दलों से बचाने के लिए किसान बर्तन और ताली बजाकर उन्हें भगाते नजर आए। इसी तरह कुछ लोग थाली पीटकर टिड्डियों को भगाते दिखे। आंध्र प्रदेश में शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में शराब की दुकान खुलने से नाराज महिलाओं ने हंगामा किया। यूरोप के देश चकिया में हुए एक ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस को बैग से एक महिला का शव मिला। ओडिशा के गंजम में जगन्नाथ मंदिर परिसर से 10 फीट के एक कोबरा सांप के निकलने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में बदमाशों ने एक भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने कानपुर मुठभेड़ मामले से तार जुड़े होने के शक में 2 लोगों को हिरासत में लिया। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के राजन बाबू टीबी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 3 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया और अस्पताल के गेट पर खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल कई लोग पोस्टर लिए नजर आए, जिन पर नगर निगम के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में खूब नारेबाजी भी की। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना के संकट में भी उन्हें वक्त पर वेतन नहीं दिया गया। बड़ी दुख की बात है, ये बताना पड़ रहा है, हमें हर महीने सैलरी के लिए फाइट करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी सामने आए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को जल्द वेतन देने का भरोसा दिया। जितने भी हमारे हॉस्पिटल है या हमारे और जो कर्मचारी वो भी सब इस समस्या से जूझ रहे हैं, समस्या का समाधान हम जल्दी निकालने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक चोर एक आदमी के 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पैसे मोटरसाइकिल पर टंगे एक थैले में रखे हुए थे, जिसकी भनक चोर को पहले ही लग गई और वो उस आदमी का पीछा करते हुए उस दुकान तक पहुंच गया जहां वो कुछ सामान लेने के लिए पहुंचा था। सामने आए एक वीडियो में आरोपी उसे देखकर एक पेड़ के पीछे छिपता नजर आया और वहीं से उस पर अपनी नजर गड़ाए दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद लड़का मोटरसाइकिल के करीब पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही आदमी दुकान के अंदर गया, वैसे ही आरोपी फटाफट मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगे थैले को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए वो अपने चेहरे को मास्क से ढका दिखाई दिया। चीन के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए भारतीय सेना की तैयारियों से पाकिस्तान डरा हुआ है और उसे एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। यही वजह है कि उसने पीओके में 20 जगहों पर चीन में बने ताकतवर रडार लगाए हैं। साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले टावरों को लगाने का काम भी चल रहा है ताकि भारतीय सेना की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। खबर है कि चीनी सेना के 2 दर्जन से ज्यादा इंजीनियर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जिनकी तैनाती भी पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में किए जाने की खबर है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज अम्फन तूफान प्रभावितों ने पंचायत ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। 20 मई को आए अम्फन तूफान ने जिले में काफी तबाही मचाई थी, लेकिन इसके बाद भी पीड़ितों को अब तक सरकारी मदद नहीं मिल सकी, जिससे प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुआवजे की मांग करते हुए तूफान प्रभावित लोग पंचायत ऑफिस के बाहर जमा हो गए और वहां हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच कुछ लोगों ने वहां खड़ी एक बाइक गिरा दी, लेकिन उसमें तोड़फोड़ करने से पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। हंगामे से पहले बड़ी संख्या में तूफान प्रभावित लोग पंचायत ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन में शामिल कुछ ही लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने दिखे, जबकि ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत तक नहीं समझी। सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोगों ने मुआवजे के चक्कर में ताक पर रख दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग टीएमसी का झंडा लिए दिखाई दिए। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग पंचायत ऑफिस के गेट को खुलवाने के लिए उसे जोर जोर से हिलाते दिखे, जिन्हें कुछ पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते नजर आए। एक आदमी बांस की मदद से ऑफिस की पहली मंजिल पर चढ़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नीचे उतर आया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एक महिला पंचायत ऑफिस पर पथराव करने की कोशिश करती दिखी, हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। मुआवजे की मांग करते हुए तूफान पीड़ितों ने काफी देर तक वहां हंगामा किया, बाद में किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया।
बिहार विधानसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच बीजेपी के एक विज्ञापन पर सियासी घमासान छिड़ गया। आरजेडी ने इस विज्ञापन को जेडीयू से बीजेपी के बढ़ती दूरी बताने की कोशिश की। इस वीडियो में बीजेपी के साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई गई और कोरोना संकट के दौरान बिहार के लोगों के लिए जो कुछ किया गया उसकी याद दिलाई गई। क्योंकि बीजेपी के वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं जिक्र था, इसलिए जेडीयू ने इसे सत्ताधारी गठबंधन के बीच श्रेय लेने की होड़ से जोड़ दिया और दावा किया कि दोनों दलों के बीच मनमुटाव है। एनडीए में खटपट है, ये तो इस बात को दर्शाता है और जनता इसमें पिस रही है। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने उस पर नासमझ होने का तंज कसा और दावा किया कि बिना विचारधारा वाली पार्टी को विज्ञापन की बातें समझ में नहीं आ सकती। ये राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी जो न संगठन की बुनियाद पर है न विचारधारा की बुनियाद पर है, ऐसी पार्टी चीजों को नहीं समझती है। कोरोना संकट के बीच जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी तेज कर दी गई। हालांकि यात्रा कब से शुरू होगी ये अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन यात्रा के लिए जरूरी तैयारियां तेज हो गईं। कई कर्मचारी साफ सफाई के काम में जुटे नजर आए, जबकि यात्रियों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रा के लिए बनाए गए कैंप में लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए केमिकल का छिड़काव भी किया गया। तैयारियों में जुटे अधिकारियों ने जल्द यात्रा के शुरू होने की उम्मीद जताई। पर जो भी MH की हमें गाइडलाइन आएंगी उसके मुताबिक हम लोग ये काम करेंगे। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। कैंप के बाहर पुलिस कर्मी तैनात दिखे, जबकि कई अधिकारी भी पुलिस वालों से हालात के बारे में जानकारियां लेते नजर आए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश में। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा आतंकी हमला कर सकता है और इसके लिए वो पुलवामा हमले की तरह ही एक गाड़ी में विस्फोटक लगाकर हमला करने की साजिश रच रहा है। बताया गया कि पिछले 2 महीनों में सुरक्षा बल पर हुए हमलों की जांच के दौरान आतंकियों के इस प्लान के बारे में पता चला, जिसके बाद इस साल सिर्फ बालटाल के रास्ते होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग आतंकी संगठनों ने कश्मीर में किया है उसका उन्हें फायदा भी मिला है। यही वजह है कि इस बार भी अमरनाथ यात्रा पर उन्होंने इसी तरीके का खौफनाक हमला करने का प्लान बनाया है। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच सरकार ने कोरोना जांच करने वालों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए अब डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद BMC ने कोरोना टेस्ट के नियमों में बदलाव कर दिया। नए नियमों के तहत अब कोई भी आदमी सरकारी या प्राइवेट लैब में जाकर कोरोना जांच करवा सकता है। हालांकि कोरोना जांच के बाद लोगों को रिपोर्ट के बारे में BMC को जानकारी देना जरूरी होगा। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने अदन की खाड़ी में सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत परखी। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने 2 विमानवाहक पोतों को तैनात किया है, जिससे बौखलाए चीन ने हिंद महासागर के पास अदन की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में चीन के 3 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान जंगी जहाज में लगी तोप से गोले दागे गए और मशीन गन से भी फायरिंग की गई। वहां तैनात सैनिक समंदर में तैर रहे टारगेट पर निशाना लगाते नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद सैनिक आमने सामने की लड़ाई का भी अभ्यास करते दिखे। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। 2 जून को कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से हुई मुठभेड़ के मामले में चौबेपुर थाने के सभी 68 स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया। पूरे थाने को लाइन हाजिर करने के आदेश SSP दिनेश कुमार ने दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आरोपी विकास दुबे के पुलिस वालों से साठगांठ के शक में की गई। लाइन हाजिर किए गए स्टाफ में सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल भी शामिल है। डेविड वार्नर की मस्ती का एक वीडियो वायरल हो गया। डेविड वार्नर का अपनी बेटियों के साथ मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद हरिद्वार में UP से लगी अपनी सीमाओं को सील कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बार निर्णय लिया गया कि बॉर्डर पर ही सारे कांवड़ियों को किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, सभी को रोक दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी के एक जवान ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर जरूरतमंद बच्चों को कपड़े और चप्पलें बांटी। बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर घर से दूर यह लड़का कपड़े भी दे रहा है और ये चप्पल भी पहनाने का काम कर रही है। विद्युत जामवाल ने अपना एक वीडियो शेयर कर दर्शकों से सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा देखने की अपील की। आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच दिस मूवी एंड वी शुड मेक श्योर दैट दिस इज द हाईएस्ट वॉच्ड मूवी एवर। मध्य प्रदेश के मांडला में राइस मिल से धान की बोरियां चोरी करने के आरोप में ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की खंभे से बांधकर पिटाई की गई। मिल के मालिक पर मारपीट का आरोप लगा जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें राइस मिल के अंदर दो लोग अलग अलग खंभों से बंधे दिखाई दिए और वहां खड़ा एक आदमी उन्हें रस्सियों से ताबड़तोड़ पीटता नजर आया। इस दौरान वहां मिल में काम करने वाले कई मजदूर खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी मिल के मालिक को मारपीट करने से रोकने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद मार खाने के बाद ट्रक ड्राइवर और उसके साथी ने मिल से धान की बोरियां चोरी करने की बात मान ली और नुकसान की भरपाई करने की भी बात कही, लेकिन इसके बाद भी मिल का मालिक उसके साथ मारपीट करता रहा। बाद में ट्रक ड्राइवर उसके साथी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर पुलिस तक पहुंची, लेकिन पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ही मामले में कार्रवाई की बात कही। यदि ऐसी कोई सूचना आती है या इस बात की पुष्टि होती है कि ये वीडियो यहां का है तो हम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक इस बात की भी पुष्टि नहीं है कि वीडियो मंडला का है अथवा कहीं और का है और न ही हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आई है अभी तक। बिहार के कटिहार में लोगों से भरी एक नाव महानंदा नदी में पलट गई। हादसे के वक्त नाव पर कई लोग सवार थे जिन्हें लेकर वो नाव नदी के किनारे पहुंचने ही वाली थी, लेकिन लोगों के वजन से एक ओर झुकते हुए वो नाव महानंदा नदी में पलट गई। रुक गया नाव डूब गया। इस हादसे में अच्छी बात ये रही कि नाव नदी के किनारे पर पलटी जहां पानी कम गहरा था, इसलिए ज्यादातर लोग तुरंत पानी से बाहर आ गए। हादसे से पहले जब नाव लोगों को लेकर किनारे की तरफ पहुंची तो वो धीरे धीरे एक ओर झुकती नजर आई। रुक गया नाव, नाव डूब गया। लोगों के अलावा नाव पर एक मोटरसाइकिल और कुछ साइकिलें भी रखी थी जिनके वजन से वो पलट गई। गाड़ी मार के, गाड़ी गाड़ी। नदी के किनारे हुए इस हादसे में इलाके के लोगों की मदद से सभी को बचा लिया गया। सीमा पर चल रहे टकराव के बीच चीन भले ही अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया हो, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने लद्दाख में एलएसी के पास अत्याधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने अपने ये अत्याधुनिक हथियार ऊंचाई वाली चौकियों पर तैनात किए हैं, जिसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तोप, एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन और हल्के टैंक हैं जो पहाड़ी इलाकों में युद्ध के दौरान बेहद कारगर होते हैं। तुर्की के सकारिया प्रांत में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से भी ज्यादा जख्मी हो गए। हालांकि यह हादसा हुआ किस वजह से यह साफ नहीं हो पाया, मगर धमाका इतना भयानक था जिसे देखकर कोई भी थर थर कांप उठे। धमाका होने की वजह से फैक्ट्री में रखे पटाखों ने आग पकड़ ली और दिन के उजाले में ही आसमान में आतिशबाजी होती नजर आई। बताया गया कि धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके की आवाज सुनकर फैक्ट्री के पास एक दूसरी इमारत के लोग भी बाहर निकल आए और अपने सामने धुएं का गुबार देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हादसे के एक दूसरे वीडियो में धमाके से हुई तबाही देखकर तो लगा मानो फैक्ट्री पर कोई आतंकी हमला हुआ हो। लगातार फटते पटाखों की वजह से दमकल कर्मी भी जूझते दिखे, उनके लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बताया गया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 200 लोग काम कर रहे थे जिन्हें बचाने के लिए 80 से भी ज्यादा एम्बुलेंस भेजी गयी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे और पूजा की। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस नेता और समर्थक मौजूद रहे। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद कमलनाथ उपचुनाव के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए उनके टाइगर वाले बयान पर फिर हमला बोला। असली बात जनता को नहीं कह पा रहे तो टाइगर के गुमराह क्या जनता होगी? जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के महाकाल मंदिर जाने पर तंज कसा। जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को मंदिर और भगवान याद आते हैं,
अगर लगातार भगवान की पूजा करते रहें तो चुनाव के समय याद थोड़ी आए। सीमा पर चीन के पीछे हटने के बाद भारतीय वायुसेना के एक नाइट ऑपरेशन ने सबको चौंका दिया। इस ऑपरेशन के तहत देर रात सीमा से कुछ दूर एक फॉरवर्ड एयरबेस पर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इनमें MiG-29 और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी शामिल रहे, जिसका एक मतलब ये समझा जा रहा है कि भारत इस बार चीन की किसी बात में नहीं आने वाला, जिसके लिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह मुस्तैद है, जिसने सीमा के पास देर रात एक नाइट ऑपरेशन को पूरा किया। इस ऑपरेशन के दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया। अपाचे के अलावा MiG-29 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी फॉरवर्ड एयरबेस से उड़ान भरी। हम जितने वायु यहाँ पे हैं, सबका मनोबल बहुत ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा है। नाइट ऑपरेशन की तरह सूरज निकलने के बाद भी फॉरवर्ड एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को गरजते हुए देखा गया। अपनी तैयारी परख रहा है सुखोई 30। इस समय हिंदुस्तान के पास जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। 80 टन वजन के साथ उड़ने की क्षमता रखने वाले C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने भी फॉरवर्ड एयरबेस पर उतर कर अपनी ताकत दिखाई। ग्लोब मास्टर आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में फॉरवर्ड एयरबेस पर यहाँ पर लैंड कर रहा है और 80 टन एक साथ इसमें सामान जा सकता है। कानपुर मुठभेड़ से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर, यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर कर दिया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया। कानपुर मुठभेड़ में विकास के साथ अमर दुबे भी शामिल था। कानपुर कांड में एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई। विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर किया गया। दरअसल एक लिस्ट बनी थी जिसमें ये सारे अपराधियों के नाम दर्ज किए गए, तो उसमें अमर दुबे का नाम सबसे ऊपर था। आपको बता दें ये मुठभेड़ हुई यूपी के हमीरपुर के बौधहा जिले में, जहां विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर कर दिया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया। कानपुर मुठभेड़ में विकास के साथ अमर दुबे शामिल था। लगातार पुलिस जो है वो कोशिश के साथ ये भी कर रही है कि विकास दुबे का भी पता लगाया जा सके, लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी मिली कि ये मुठभेड़ यूपी के हमीरपुर में हुई, जहां विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, कैसे जानकारी मिली कि अमर दुबे वहां पर छिपा हुआ है, और क्या ये भी शामिल था उस वक्त जब पुलिस पर हमला हुआ? देखिए, 2-3 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू में हुए एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद यूपी की एसटीएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार विकास दुबे व उसके गैंग के साथियों को तलाश कर रही थी। ऐसे में इस बीच एसटीएफ को सूचना मिली कि उनके गैंग का सक्रिय सदस्य अमर दुबे इस वक्त हमीरपुर में है और उसकी घेराबंदी की गई, और आज तड़के सुबह उसको एक एनकाउंटर में मार गिराया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जो लगातार विकास दुबे हैं उनकी जो लोकेशन मिल रही थी शहडोल में, उसके बाद फरीदाबाद में, तो अब एक विश्वास सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में विकास दुबे एसटीएफ के चंगुल से बच निकला है, उसकी गिरफ्त से भाग चुका है। ऐसे में वहां पर फरीदाबाद में जिन लोगों ने उसको शरण दी थी वो बिकरू गांव के ही दो लोग थे। उसमें अंकुर और प्रभात नाम के एक शख्स को उठाया है जिसने विकास दुबे को शरण दी थी। तो कुल मिलाकर जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसमें फिलहाल एसटीएफ को कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि एसटीएफ अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी दे सकती है। हालांकि फरीदाबाद में विकास दुबे के फरार होने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि विकास दुबे लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो सरेंडर कर सके, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोशिश कर रही है कि एसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, जरा सुन लेते हैं। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। आज थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें
ये व्यक्ति घायल हुआ, इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है, यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है, और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी, और वहाँ पर ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है, जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा इसको चेक किया। कानपुर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने विकास दुबे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हमीरपुर में विकास के साथी अमर दुबे को एसटीएफ ने मार गिराया। वहीं पिछले 5 दिनों से पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है। बताया गया कि विकास दुबे को दिल्ली के पास फरीदाबाद में देखा गया, लेकिन बाद में एसटीएफ ने बताया कि वो फरीदाबाद से फरार हो गया। विकास दिल्ली या उसके आसपास किसी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था। इस बीच विकास की मदद के आरोप में पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर भी किया गया है और एसटीएफ के डीआईजी आनंद देव का तबादला भी कर दिया गया है। हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से। मनोज, इस बीच ये भी खबरें थी कि मध्य प्रदेश भी भाग सकता है, वहां पर क्या जानकारी मिल रही है? मध्य प्रदेश की जो यूपी एसटीएफ ने जो अपनी जानकारी है जुटाई, उसके बाद जो विकास के कुछ रिश्तेदारों की जानकारी यूपी पुलिस को मिली और उसके तहत पूरी कार्रवाई कल शाम को यहां पर यूपी एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के बोढ़ार पहुंची और बोढ़ार में पता चला कि रिश्ते में उनके जो ससुराल पक्ष के लोग कुछ रहते हैं, जो कि उनके साले बताए गए, साथ के साथ भांजा। मनोज, मैं आ रही हूं आपके पास, राजीव के पास कोई अपडेट है? सीधे रुक कर लेते हैं, राजीव क्या अपडेट? देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो विकास दुबे का साला कहा जाता है राजू भुल्लर, उसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि इन्होंने भी विकास दुबे को शरण दी थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार एसटीएफ ये कोशिश कर रही है, और क्योंकि जो रिसेंट लोकेशन थी वो फरीदाबाद में थी, ऐसे में कई एसटीएफ की टीमें और पुलिस की कई टीमें उस इलाके में लगाई गई हैं ताकि इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर, इस घटना के बाद पहले दिन से ये संभावना जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को पुलिस संरक्षण मिला था। इसी को देखते हुए एक और जहां चौबेपुर थाने के समस्त 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, वहीं विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी से नजदीकियों के चलते तत्कालिक एसएसपी अनंत देव व मौजूदा डीआईजी एसटीएफ को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हटा दिया गया है, और अब दूसरे एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को एसटीएफ में बतौर एसएसपी तैनात किया गया है। तो ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द अमर दुबे की तर्ज पर जो अन्य इस गैंग के जुड़े सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर इसके बारे में जो ये पूरे घटनाक्रम है उसका खुलासा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब से कुछ देर बाद पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या लीड मिली है, क्या वो रहा है, उसको लेकर भी एसटीएफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। राजीव, आप रहिएगा हमारे साथ। वहीं कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा, लेकिन एसटीएफ के मुताबिक विकास दुबे फरीदाबाद से फरार हो गया है। बताया गया कि वो दिल्ली के आसपास किसी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था। विकास दुबे की तलाश के लिए एसटीएफ यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत कई दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस 3 से 4 के बीच में आई थी, उन्होंने आते ही कहा रूम चेक कराओ, कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी कि ऐसे ऐसे कोई बात है, वो सीधा आए कि अपने रूम चेक करवाओ। हमने रूम चेक करवाए, 4 से 5 रूम थे, ना ही उन्हें कोई ऐसा लगा कि ये गलत आदमी है या शक के तौर पे किसी से बात करी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी तफ्तीश करी अच्छी तरह, फिर वापसी चले गए। सासाराम गेस्ट हाउस के मालिक है और यहीं पर इन्हीं के गेस्ट हाउस में विकास दुबे अपने एक सहयोगी के साथ पहुंचा हुआ था। ये बताइए, कितने बजे विकास दुबे अपने सहयोगी के साथ आपके पास होटल में यहां पर पहुंचा हुआ था गेस्ट हाउस? बात हम नहीं जानते, वो विकास दुबे था या उसका साथी था। वो साढ़े बारह से 1 के बीच में यहाँ आया था। उसने मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया उनको नाम का, जिसमें ना एड्रेस था ना फोटो थी। मैंने उनसे कोई दूसरी आईडी दे दो आप अपनी मुझे, उन्होंने कोई ना कोई मुझे आधार कार्ड दिया ना कोई डीएल दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं करी, फिर नीचे चले गए वापसी। उसके बाद क्या आपने पुलिस को जानकारी दी थी फरीदाबाद पुलिस के बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी।
कितने लोग थे उनके साथ विकास? दो जने थे वो। दो लोग थे उनके साथ। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि पुलिस कब आपके यहाँ पहुँची? पुलिस 3:30 से 4 बजे के आसपास। तो क्या आप इसी यहीं पे मौजूद थे, इसी रिसेप्शन पे यहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, यही था बस। इसी रिसेप्शन पे आप मौजूद थे जिस वक्त? कितने देर यहाँ पर रुके हुए थे वो अपने दो सहयोगी के साथ? 3-1 मिनट लास्ट। 3 मिनट यहाँ पर रुके थे। आपको देखकर ऐसा क्या लगा कि जो टीवी में जो तस्वीरें देख रहे हैं हम लोग पिछले कई दिनों से, क्या वही उसी तरह का शख्स था? नहीं सर, मास्क लगा रखा था, ऐसा कुछ नहीं। मास्क लगा रखे थे तो उसके बाद वो अपना आईडी नहीं दे पाए? नहीं। तो यहाँ से निकल गए? हाँ जी, यहाँ से चले। पुलिस कितनी देर बाद पहुँची थी यहाँ पर? पुलिस 2-3 घंटे बाद आई। तो पुलिस कैसे पूछी, पुलिस को जानकारी कहाँ से मिली थी? पता नहीं सर, इस बात की जानकारी तो उन्होंने हमें भी नहीं दी थी। उन्होंने आगे सीधा कहा कि रूम चेक कराओ अपने सारे। अच्छा, पुलिस आई तो यहाँ पर क्या क्या आपकी तलाशी ली? वो आई, उन्होंने सीधा मैं था काउंटर पर, उन्होंने कहा अपने रूम चेक कराओ। मैंने उन्होंने सारे रूम चेक कराए, जो कपल थे फैमिली रूम पड़े थे उनकी आईडी वगैरह दिखाई। उसके बाद उन्होंने पूरी बिल्डिंग देखी ऊपर से नीचे तक, उन्होंने तहकीकात करी, ऐसा कोई शख्स उन्हें मिला नहीं, गैंगस्टर ना इलीगल वेपन मिला कुछ। यहाँ से फिर वो चले गए अपनी तहकीकात करके। उस वक्त कितने लोग अभी फ़िलहाल आपके गेस्ट हाउस में रह रहे हैं? फिलहाल कल रात का सर एक ही रूम लगा पड़ा है। ठीक है, एक रूम। तो ये दोपहर में आए थे ये लोग? हाँ जी, 11:30। हाँ जी, हाँ जी, 12:30 के आसपास। 12:30 के आसपास। तो ये है रोमी जो कि गेस्ट हाउस के मालिक है, और इनका साफ साफ ये कहना है कि बीते कल दोपहर को 12:30 बजे के आसपास विकास दुबे जैसा दिखने वाला एक शख्स अपने दो सहयोगियों के साथ आया था। उसने अपना आईटी प्रूफ यहाँ पर नहीं दिखा पाया, जिसके बाद यहाँ से जो है तकरीबन वो 3 मिनट था और उसके बाद निकल गया। लेकिन उसके 2 से 3.5 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, फरीदाबाद पुलिस, और उसके बाद तमाम तलाशी लेती है पूरे गेस्ट हाउस की। रोमी के अभी यहाँ पर इन्हें कोई संदिग्ध को, ना ही कोई वेपन, ना ही कोई दूसरा सामान, ना ही कुछ इनको मिलता नहीं है, जिसके बाद पुलिस दोबारा यहाँ से चली जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, फरीदाबाद। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने कानपुर कांड के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इसका संबंध कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे से हो सकता है। बीती रात छापेमारी के बाद 2 लोगों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया है, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम की गाड़ी दफ्तर के पास पहुंची तो उसमें 2 लोग बैठे जरूर नजर आए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये 2 लोग जो थे वो आखिर कौन थे। ये तस्वीरें अब सामने आई हैं और इसके हिसाब से अब दिख रहा है कि 2 लोग पहुंचे हैं, क्राइम ब्रांच टीम उनको अपने साथ लेकर दफ्तर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है कि ये 2 लोग कौन हैं, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंची उनकी गाड़ी में 2 लोग बैठे जरूर नजर आए, यानी लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये 2 लोग आखिर कौन हैं, क्या कोई रिश्तेदार हैं जिससे आगे की तहकीकात और पूछताछ हो रही है, या फिर कोई और जिससे तार जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन 2 लोग गाड़ी में बैठे ज़रूर नजर आए जो कि दफ्तर चले गए, उनसे पूछताछ भी हुई, लेकिन ये कौन लोग थे ये साफ नहीं हो पाया है। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये कई लोगों से पूछताछ हो रही है, उसी के तहत कल 2 लोगों को और बुलाया गया, गाड़ी में वो 2 लोग दिखे, ये कौन से 2 लोग थे अभी तक कुछ साफ हो पाया? जी अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, उस गेस्ट हाउस की तस्वीरें दिखा देता हूं, जिसकी बात की जा रही है कि यहां पर विकास दुबे अपने 2 सहयोगियों के साथ पहुंचा हुआ था। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, इसी रिसेप्शन पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक वो यहां पर रुका हुआ था। आईडी प्रूफ जो यहां के जो गेस्ट हाउस के जो मालिक है उन्होंने मांगा विकास दुबे से, और जो सीसीटीवी में जो विजुअल्स कैद हुए हैं, जो कद और काठी है उस सीसीटीवी में, वो विकास दुबे की तरह ही हुबहू है। फिलहाल जो फरीदाबाद पुलिस है क्राइम ब्रांच के दफ्तर के पास 2 लोगों से पूछताछ हो रही है फिलहाल अभी। और मैं आपको एक बार यहाँ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर रिसेप्शन, यहाँ पर रोमी बैठे हुए थे इसी कुर्सी पर, और यहाँ पर विकास दुबे जब यहाँ से यहाँ पर पहुंचे हैं, और विकास दुबे यहाँ पर खड़े थे, और उसके बाद जब विकास दुबे से सबसे पहले यहाँ पर जो रोमी थे यहाँ के जो मालिक थे गेस्ट हाउस के, उन्होंने बोला कि आईडी प्रूफ दीजिए, पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड अंकुर नाम के से था, तो उन्होंने बोला कि पैन कार्ड से नहीं होगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस और
कोई दूसरा और लाइसेंस दीजिए, तो वो लाइसेंस दे नहीं पाए और उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद रूमी के मुताबिक यहाँ से वो निकल गए। लेकिन उसके 2 घंटे बाद फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। पुलिस ने यहाँ पर पूछताछ यहाँ पर इनसे काफी देर तक की है। उसके बाद ये जो गेस्ट हाउस है, मैं एक बार तस्वीरें आपको गेस्ट हाउस की दिखाना चाहूंगा। इस गेस्ट हाउस की तलाशी ली गई है। तलाशी लेने के बाद पुलिस यहाँ से चली गई है और जो ये जो सीसीटीवी विजुअल्स हैं, ये सीसीटीवी विजुअल्स को अपने कब्जे में ले लिया है यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस ने। और फरीदाबाद पुलिस जो है अभी 2 लोगों को फिलहाल पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ये पूछताछ चल रही है और यही वो लोकेशन है अर्पिता। इसी लोकेशन पे 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर विकास दुबे, ऐसा बताया जा रहा है कि जो कद और काठी जो सीसीटीवी ने कैद किया है, उस वो कद और काठी जो है वो विकास दुबे जैसा था और 2 शख्स उसके साथ थे। फिलहाल 2 शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है फरीदाबाद पुलिस। और ये वो एरिया है जब यूपी पुलिस लगातार हर जगह छापेमारी कर रही थी। एसटीएफ लगातार जिस वक्त छापेमारी कर रही थी विकास दुबे को पकड़ने के लिए कानपुर और दूसरे जगहों पर, तो उस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि विकास दुबे फरीदाबाद में था, वो अपने रिश्तेदारों के टच में है और वो इस गेस्ट हाउस में यहाँ पर पहुंचा और वो यहाँ पर रूम किराए में लेना चाहेगा। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो रूम है ये सारे खाली कमरे हैं। यहाँ पर केवल 1 कमरा जो है उसमें गेस्ट रुके हुए हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसी रिसेप्शन पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी विजुअल्स में जो कद और काठी के जिस शख्स का को कैद किया गया है, वो कद और काठी विकास दुबे जैसा हूबहू था। फिलहाल जो है फरीदाबाद पुलिस यूपी एसटीएफ लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जो बगल में आप देख रहे हैं सीसीटीवी की ही तस्वीर है जिसमें वही कद काठी नजर आ रही है, लेकिन चेहरे पर मास्क होने की वजह से जो मैनेजर है होटल का वो भी ये कह रहा है कि उसको पहचान नहीं पाया। उधर 2 जून को कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से हुई मुठभेड़ के मामले में चौबेपुर थाना के जो सभी स्टाफ हैं, 68 स्टाफ, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। पूरे थाने को लाइन हाजिर करने के आदेश एसएसपी दिनेश कुमार ने दिए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये कार्रवाई आरोपी विकास दुबे के पुलिस वालों से साठगांठ के शक में की गई है। लाइन हाजिर किए गए स्टाफ में सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। कानपुर मुठभेड़ मामले में यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी का तबादला भी कर दिया गया है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से भी उनका नाम जुड़ा और उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। अनंत देव त्रिपाठी को सरकार ने हटाकर पीएससी भेज दिया है। दावा किया जा रहा है कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने चौबेपुर के दारोगा विनय तिवारी की शिकायत अनंत देव तिवारी से की थी, बावजूद इसके उन्होंने एक्शन नहीं लिया। श्याम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्याम, फिलहाल क्या जानकारी और मिल रही है, अभी फिलहाल कहाँ हो सकता है विकास दुबे? और इसी के साथ साथ ये भी खबरें आ रही थी कि वो सरेंडर भी कर सकता है, तो क्या ये संभावना ज्यादा दिख रही है कि वो दिल्ली के आसपास में ही कहीं होगा? देखिए, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं उसके दिल्ली या एनसीआर में होने की, और इसके बाद जब फरीदाबाद से खबर आई कि फरीदाबाद में एक होटल में उसने रुकने का प्रयास किया और वहां पर कागजात न होने की वजह से उसको वहां जगह नहीं मिल सकी और एक सीसीटीवी और एक फोटो भी उसके साथ वायरल हो रहा है, तो संभावना ये जताई जा रही है कि वो एनसीआर के आसपास कहीं पर मौजूद है और सरेंडर करने की तैयारी में है। जिस तरीके से इसका मॉडस ऑपरेंडी रहा है वो भी यही रहा है कि वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हमेशा फरार हो जाता था और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती थी। इसके बाद वो आराम से अदालत में सरेंडर करता है, उसके बाद कानूनी दावपेच हैं उनका फायदा उठा करके फिर बाहर निकल आता है और तमाम जो अपराध की गतिविधियां हैं उसमें दोबारा से संलग्न हो जाता है। यही वजह है कि इस बार भी जब उसने आपराधिक वारदात को अंजाम दिया, 8 पुलिसकर्मियों को अपने साथियों के साथ मौत के घाट उतारा और उसने पहले से इसकी ऐसा लगता है कि रणनीति बना रखी थी, जिसके चलते वो गाड़ियों से नहीं गया, उसने मोटरसाइकिल्स का प्रयोग किया, मोटरसाइकिल्स के जरिए उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद जो उसके आगे जाकर के उसने जो अपने साथियों के साथ मुलाकात की और उनके जरिए बॉर्डर पार करके ऐसा लगता है कि एनसीआर तक पहुंच चुका है। लेकिन जो उसके काम करने का तरीका है, जो उसका तरीका है, वो यही है कि वो अदालत में सरेंडर करता है और इसके बाद अपने वकीलों की फौज, अपने धन बल, बाहुबल और पॉलिटिकल कनेक्शन का प्रयोग करके गवाहों को धमकाना और मुकदमों से बरी हो जाना, ये उसका आज तक का इतिहास रहा है। हालांकि जब एसटीएफ ने 2017 में पकड़ा था तब पहली बार वो पुलिस की पकड़ में आया था, इसके पहले पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, हमेशा उसने सरेंडर किया है। अगर बात की जाए पुलिस की लापरवाही की, तो निश्चित तौर पर शुरुआत से जब से ये घटना हुई है तब से पुलिस के ऊपर उंगलियां उठती रही हैं और ये शक लगातार गहराता जा रहा है, जिसके चलते पहले वहां के एसओ को सस्पेंड किया गया, 2 दरोगाओं को उसके बाद सस्पेंड किया गया, 1 आरक्षी को सस्पेंड किया गया और अब पूरे के
पूरे थाने को बदल दिया गया है। सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनकी जगह पर नए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। आपको डीआईजी का जिक्र हुआ है। खबर आ रही है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में ही कहीं छिपा हुआ है, उसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। तो जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में ही वो छिपा हो सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में भी उसको देखा गया है, सीसीटीवी तस्वीर भी वहां से सामने आई है। एक गेस्ट हाउस में वो जाता है, वहां पर वो अपना पहचान पत्र कोई नहीं दिखा पाता, इसलिए वो अंदर नहीं रहता, लेकिन 3 मिनट तक वो वहां पर रहता है। ये खबर भी वहां पर मिलती है पुलिस को। पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तब तक वो वहां से फरार हो चुका होता है। इसी बीच ये भी जानकारी कि दिल्ली एनसीआर में ही कहीं वो छिपा हुआ है और पुलिस जो है उसकी लगातार तलाश कर रही है। 2 टीमें बनाई गई हैं, लगातार छापेमारी हो रही है विकास दुबे को लेकर। तो विकास दुबे की तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल एक गेस्ट हाउस में वो जाता है, वहां पर वो 3 मिनट रुकता है, ठहरने की कोशिश करता है, लेकिन जो मैनेजर रहता है वो उससे पहचान पत्र मांगता है जिसमें उसका ना नाम लिखा होता है ना एड्रेस लिखा होता है, जिसकी वजह से मैनेजर उसको अंदर एंट्री करने नहीं देता है। जिसके बाद 3 मिनट वहां रुककर अपने 2 साथियों के साथ वो वापस चला जाता है और उसकी सूचना जब पुलिस को मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका होता है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, ये 2 टीमें बना दी गई हैं जो अब लगातार कोशिश कर रही है कि जहां भी पता चले विकास दुबे हो सकता है वहां छापेमारी की जाए। फिलहाल ऐसी कौन कौन सी जगह, क्या वो दिल्ली एनसीआर में ही है इसलिए यहीं पर अभी छापेमारी होगी, संभावना क्या है? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पूरी संभावना यह है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छुपा है और उसको लेकर क्राइम ब्रांच की दो टीमें हैं वो लगातार विकास दुबे को लेकर सर्च ऑपरेशन कर रही है। एक टीम जो है वो कई मोबाइल फोन है उनकी कॉल डिटेल खंगाल रही है, जो भी मोबाइल फोन उन्हें अपने सोर्सेस से मिले हैं, अपने मुखबिरों से मिले हैं, और एक टीम जो है वो लगातार जो दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी बड़ी सोसाइटियां हैं वहां पर उन्होंने अपना टेप लगाया, क्योंकि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि गांव या देहात में विकास दुबे के लिए छुपना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कोई नया शख्स अगर आता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को मिल सकती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में कई बड़ी इमारतें, कई बड़ी सोसाइटियां हैं और वहां पर अगर विकास दुबे शरण लेता है तो पुलिस के लिए काफी मुश्किल होगा उसे तलाशना। इसलिए कई टीमें जो है न केवल फरीदाबाद की, गुरुग्राम की और दिल्ली पुलिस की, तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो रोहिणी कोर्ट है वहां पर भी एक सर्च ऑपरेशन किया था, क्योंकि जानकारी मिली थी कि रोहिणी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है विकास दुबे। तो लगातार क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की और टीमें जो है वो कोर्ट पर भी नजर बनाए हुए हैं कि कहीं गुपचुप तरीके से किसी वकीलों की मदद से विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर न कर दे। वही कानपुर कांड के मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में यूपी एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के शहडोल में भी छापेमारी की है। विकास दुबे के शहडोल में छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंची थी। शहडोल में विकास दुबे का साला राजू निगम रहता है। राजू निगम के घर पर मौजूद न होने पर एसटीएफ की टीम उनके बेटे आदर्श को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस बीच राजू निगम ने एसपी दफ्तर में पहुंचकर पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया, साथ ही दावा किया कि उसका विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मैं 15 साल से कानपुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं। मैं 15 साल पहले वहां से सब छोड़ के चला आया था। मेरा लड़का दुकान में बैठा था, उसको यूपी की एसटीएफ की टीम आई और उसको पकड़ के ले गई। मेरा मोबाइल पुलिस के पास है, वो कॉल डिटेल अब से नहीं 10 साल पुरानी पता कर ले कि मैंने विकास दुबे से बात कब की है। राजू निगम को आप सुन रहे थे, मनोज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। मनोज, ये भी जानकारी मिल रही थी कि वहां छुपा हो सकता था, क्या वहां पर भी वो थोड़े दिन रुका है, क्या जानकारी मिल रही है? जो पुलिस इसी तलाश में आई थी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जो शहडोल जिले की पुलिस को सूचना दी गई थी यूपी एसटीएफ की तरफ से कि हम रिश्तेदारों को पकड़ने के लिए, रिश्तेदारों के यहाँ हमें इस तरह की खबर मिली है कि हो सकता है कि उसने वहां संपर्क किया हो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि कॉल डिटेल इकट्ठी की जाती हैं, उन कॉल डिटेल में पुलिस को इस तरह की सूचना थी कि हो सकता है इन्होंने संपर्क किया हो। लेकिन यहाँ आने पर पहले उनको बेटा मिला आदर्श निगम, जो कि भांजा रिश्ते में बताया गया विकास का, उसको आदर्श को पहले हिरासत में लिया। उसके बाद उसके पहले ही कल बीती रात में जो ज्ञानेंद्र, जिसे राजू खुल्लर उर्फ राजू खुल्लर बोलते हैं, ज्ञानेंद्र निगम आदर्श के पिता और रिश्ते में उसके साले, विकास के साले, तो ये पुलिस एसपी के पास पहुंच गए और कहा कि मेरा बीते 15 साल से विकास से कोई लेना देना
मेरा नहीं, उल्टा जब मैं कानपुर में रहता था तो उस समय मुझे 2-3 फर्जी केसों में विकास की वजह से फंसाया गया था, इस वजह से मैं वहाँ से छोड़कर आ गया था और बीते 15 साल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पुलिस से जब ये गुहार लगाई, इसी दौरान एसटीएफ की टीम भी सामने आई, यूपी एसटीएफ की, और दोनों से बातचीत के बाद ये बताया गया मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से कि आदर्श को और ज्ञानेंद्र को उर्फ राजू खुल्लर, इन दोनों को पुलिस आगे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जा रही है। द कानपुर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने विकास दुबे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हमीरपुर के में विकास के साथी अमर दुबे को एसटीएफ ने मार गिराया। वहीं पिछले 5 दिनों से पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है। बताया गया कि विकास दुबे को दिल्ली के पास फरीदाबाद में देखा गया, लेकिन बाद में एसटीएफ ने बताया कि वो फरीदाबाद से फरार हो गया है। विकास दिल्ली या उसके आसपास के किसी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था। इस बीच विकास की मदद के आरोप में पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर किया गया है और एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला भी कर दिया गया है। खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से, गैंगस्टर विकास दुबे फरार हो गया। फरीदाबाद के एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे की तस्वीर कैद होने का दावा। विकास दुबे के साथी अमर दुबे को एसटीएफ ने यूपी के हमीरपुर में मार गिराया। विकास दुबे की तलाश में फरीदाबाद से 2 लोग हिरासत में लिए गए। विकास दुबे के मामले में चौबेपुर थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर। पीछे हटने के बावजूद चीन ने अपनी चौकियों पर अत्याधुनिक हथियार तैनात किए। गलवान घाटी की ताजा तस्वीरों में चीन की सेना पीछे हटती हुई दिखाई थी। अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया। पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई। अमेरिका ने छात्रों के लिए वीजा नियमों में थोड़ा बदलाव किया। शरद पवार ने सहयोगी दलों में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों के छिपाकर रखे गए हथियार बरामद हुए। गुजरात के पोरबंदर में आई बाढ़ के बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। चीन ने अमेरिका पर दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों को भड़काने का आरोप लगाया। मुंबई में आज फिर हाई टाइड की चेतावनी, करीब 5 मीटर लंबी लहरें उठ सकती हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति को कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए। सचिन समेत तमाम क्रिकेटर ने सौरभ गांगुली को जन्मदिन की बधाई दी। अमरनाथ गुफा में मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई। बीती रात पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ते हुए भारत के मेंढर और बालाकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान की सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस गोलाबारी में मेंढर सेक्टर में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक घायल है। पाकिस्तान की गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। दोनों तरफ से हो रही भारी गोलाबारी की वजह से बॉर्डर के इलाके में लोग दहशत में है। म्यांमार के बगान शहर में 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने 3,500 से भी ज्यादा बौद्ध स्तूपों, मंदिरों और दूसरे धरोहरों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों जवान तैनात कर दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से बगान में पर्यटन स्थल वीरान है। ऐसे में सैकड़ों साल पुराने खजाने पर लुटेरे नजर गड़ाए बैठे। जिनसे दो दो हाथ करने के लिए सूरज ढलते ही पुलिस के सैकड़ों जवान बगान के 5,000 हेक्टेयर से भी बड़े इलाके में फैल गए। इतने जवानों की टुकड़ी देखकर ऐसा लगा मानो वो जंग के मैदान में दुश्मन से लोहा लेने जा रहे हों। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले मंदिरों और स्तूपों में चप्पे चप्पे पर हथियार बंद पुलिस पहरा देती नजर आई। रात के अंधेरे में मंदिरों के अंदर और बाहर जवान चौकन्ने खड़े दिखे। बगान में मंदिरों के बाहर दुकान लगाने वाले लोग चोरी की घटनाओं से गुस्से में दिखे। अमेरिका ने भारतीय छात्रों के लिए वीजा के नियमों में थोड़ी राहत दी। भारत ने अमेरिका से F1 वीजा पर सख्ती बरतने के मुद्दे पर बात की थी, जिसके बाद अमेरिका ने विदेशी छात्रों के वीजा नियमों में ढील दे दी है और अब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे छात्रों को वापस नहीं लौटना पड़ेगा और वो कुछ और समय तक अमेरिका में रहकर पढ़ाई जारी रख सकेंगे। तो आपको बता दें, अमेरिका से अब छात्रों को लौटना नहीं होगा क्योंकि F1 वीजा पर सख्ती बरतने के मुद्दे पर जब बात उनसे की गई, जिसके बाद अमेरिका ने विदेशी छात्रों के वीजा नियमों में ढील दे दी है और अब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे छात्रों को वापस नहीं लौटना पड़ेगा और वो कुछ और समय तक अमेरिका में रहकर पढ़ाई जारी रख सकेंगे। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला किया और उनसे 3 सवाल पूछे।
एक दिन पहले खबर आई थी कि भारत के दबाव के बाद चीन ने पीछे हटने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके अगले दिन राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और पूछा कि अगर सरकार के लिए राष्ट्रहित सबसे पहले है तो उसने चीन के साथ बातचीत के दौरान गलवान में तनाव से पहले की स्थिति बरकरार रखने पर जोर क्यों नहीं दिया, जिसके जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी को खरी खरी सुना दी। चीन की रोटियों पर पलने वाले राहुल गांधी, जिन्होंने अपने पिताजी के ट्रस्ट में अपनी माँ, अपनी बहन, अपने दामाद और खुद के ऐशो आराम के लिए चीन का पैसा लिया, वो आज चीन की बात हिंदुस्तान की सरकार से कर रहे हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक गलवान घाटी में चीन की सेना पीछे हट गई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई बैठक के बाद चीन की सेना न सिर्फ पीछे हटी है बल्कि उन्होंने अपनी चौकियों को भी हटा लिया है। सैटेलाइट से मिली 6 जुलाई की तस्वीरों में चीन की सेना उस जगह पर दिखाई नहीं दी जिस जगह पर वो 28 जून को मौजूद थी। इतना ही नहीं, चीन की सेना ने वहां से अपनी चौकियों को भी हटा लिया है। पंजाब के अमृतसर और लुधियाना समेत कई शहरों में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तेल की बढ़ी कीमतों के लिए राज्य की कैप्टन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और अकाली दल के कई कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में भी पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए कई लोग काले झंडे लेकर पहुंचे और बीच सड़क पर बैठकर उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया। साथ ही प्रदर्शन के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक स्कूटर को उतारा गया और कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे कंधों पर रखकर चलना शुरू कर दिया। इस तरह स्कूटर की नकली शव यात्रा निकालकर भी तेल की कीमतों के खिलाफ विरोध जताया गया। अमृतसर की तरह लुधियाना में भी अकाली दल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सड़क किनारे जुटकर काफी देर तक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से वहां कुछ देर के लिए हल्का जाम भी लग गया। प्रदर्शन कर रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट को कम करने की मांग की। आज मांग कर रहे हैं कैप्टन साहब से कि 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 10 रुपए लीटर डीजल सस्ता किया जावे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुल बह जाने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। मानसून से पहले इलाके के लोगों ने आने जाने के लिए नदी पर काम चलाओ पुल बनाया था जो कई गांवों को जोड़ता था, लेकिन लगातार हुई बारिश की वजह से पुल टूट गया और बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर गया, जिसके बाद लोग बांस की मदद से बनाई गई छोटी छोटी नावों से जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग छोटी नाव पर सवार दिखे। नाव पर साइकिल और बाइक भी दिखाई दी, जबकि कुछ लोग रस्सियों की मदद से नाव को खींच कर किनारे तक पहुँचाने की कोशिश करते नजर आए। यही नहीं, वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग हाथ में सामान लेकर कमर तक पानी में चलते दिखाई दिए। यूपी के कानपुर कांड में 8 पुलिस वालों की शहादत पर राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। बताया गया कि पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जाने वाले थे और इसी मकसद से कांग्रेस के कार्यकर्ता कानपुर में पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए, लेकिन यूपी पुलिस ने पार्टी दफ्तर से बाहर निकलते ही कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया उनमें अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस विधायक मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा भी थी। हालांकि इस गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कानपुर कांड के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। आदित्यनाथ जी को जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। चीन के तियानजिन में कोरोना वायरस की वजह से लागू पाबंदियों में छूट मिलने के बाद करीब 850 फीट की ऊंचाई पर बना एक बुक स्टोर खोल दिया गया। ये बुक स्टोर चीन की सबसे ऊंची किताब की दुकानों में एक है। और सिर्फ इतनी ऊंचाई पर होना ही इस बुक स्टोर की इकलौती खासियत नहीं है। ये बुक स्टोर रिवॉल्विंग बुक स्टोर है, यानी ऐसा बुक स्टोर जिसका फर्श घूमता रहता है। इस बुक स्टोर में मौजूद शेल्फ भी घूमते हुए नजर आए। आसमान छूते एक टावर में मौजूद इस बुक स्टोर में 10,000 से भी ज्यादा किताबें हैं, जहां बैठकर किताब पढ़ते हुए शहर के खूबसूरत नजारे को भी देखा जा सकता है।